आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक रोलेट डिंग की औसत त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसमें 800 आपेक्षिक चुंबकशीलता के लौह चुंबकीय क्रोड पर 3500 फेरे लिपटे हुए हैं। 1.2 एम्पियर की चुंबककारी धारा के कारण इसके क्रोड में कितना चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होगा, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रश्न को हल करें तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रोलेट रिंग होता क्या है। ठीक है, रोलेट रिंग एक ऐसा रिंग होता है जिसपे हम अगर हम लोग धारा प्रवाहित करें तो इस धारा के प्रवाह से क्या होता है कि इसके आसपास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस रिंग की जो त्रिज्या है हम लोग को यहाँ पे दे दी गई है कि 15 सेंटीमीटर है बोल के। ठीक है, इसको अगर हम लोग आर बोलते हैं इसकी त्रिज्या, तो ये 15 सेंटीमीटर है और इस पे ये जो लाल कलर से बनी हुई है ये फेरों की संख्या है। ठीक है, जो कि एन यहाँ पे बोल दिया गया है कि 3500 फेरे हैं बोल के। ठीक है, और हमें यहाँ पे त्रिज्या का मान भी दे दिया है, धारा का भी मान दे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ हमें आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का भी मान दिया गया है। ठीक है, जो कि लौह के ऊपर में रखा गया, तो यहाँ पे 800 हमको अपेक्षित चुंबकशीलता का मान दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पे जो रोलेट रिंग है, ठीक है, उसकी औसत त्रिज्या का जो मान हमें दिया गया है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने आर से प्रदर्शित किया है 15 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 10^2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी त्रिज्या को बदल दिया। अब हम लोग को जो फेरों की संख्या थी वो भी पता है, म्यू आर भी पता है। ठीक है, अब हम लोग को जो लंबाई है उसको निकालना है जिस पर के तार बंधा है, यानी कि इसके इस पेरीफेरी को, यानी कि जो परिधि है उसको निकालना है, क्योंकि यह क्या हो, एक वृत्तीय उस पर है रिंग, यानी कि वृत्तीय सतह है। ठीक है, उसका तो वह लंबाई जिस पे तार बंधा है, अगर हम लोग उसको L बोल दें, ठीक है, तो L लंबाई को यहाँ पे अगर हम लोग ज्ञात करें तो ये इसके परिधि के बराबर होगा 2πr के। ठीक है, इस वृत्त की परिधि के, यानी कि इस रिंग की परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रखें तो 2 × π का मान कितना होता है, 3.14 × यहाँ पे आर का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, 15 × 10^2 मीटर। ठीक है, तो इतना ये जो है हमारा हो गया। अब अगर हम लोग इस लेंथ को, यानी कि लंबाई को देखें तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं, तो ये मान हमें प्राप्त 0.942 हम लोग की इसकी लंबाई प्राप्त हो जाएगी, वो भी किसमें, मीटर में। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मीटर में परिवर्तित कर लिया था। अब हम लोग यदि यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या को देखें, यानी कि अगर हम लोग इस थोड़े से लंबाई को ले लें तो प्रति एकांक लंबाई में अगर हम लोग चक्रों की संख्या को स्मॉल एन है बोल दे तो स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या बटे प्रति एकांक लंबाई बोला गया तो लंबाई से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर फेरों की संख्या, हम लोग को यहाँ पे कितनी दी गई है, 3500 दी गई है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे लंबाई निकाल ली। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास कितनी आई है, 0.942 मीटर आई है। ठीक है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम लोग ये जो क्रोड था, ठीक है, ये जो नीले रंग के बना हुआ है रिंग, ये क्या है, हमारा लोहे का क्रोड है। ठीक है, तो ये जो लोहे का क्रोड है इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा B, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B आएगा, उसका मान हम लोग को निकालना है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को, जो क्रोड पे जो हमें मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र B, उसका मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर गुणित एन आई हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट जो है वो हमें चुंबकशीलता को दर्शाता है निर्वात या वायु की उपस्थिति में। ठीक है, म्यू आर जो है हमें आपेक्षिक चुंबकशीलता को दर्शा रहा है, एन जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को दर्शा रहा है, आई जो है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि रोलेट रिंग में क्या होता है, धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन लोग का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग को जो म्यू नॉट होता है उसका मान पता होता है, ये वायु या निर्वात के लिए होता है 4π × 10^7 हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, गुणित इसका मान हम लोग को देख के रखा गया है कि 800 है बोल के। ठीक है, और हमने यहाँ पे n का मान निकाल लिया है, ये हमारा कितना है, 3500 × 0.942 गुणित हमारे पास यहाँ पे i कितना प्रवाहित हो रहा है, इस पे हमारे पास जो है 1.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है बोल के बता दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे धारा के मान को भी गुणा कर देंगे, 1.2 एम्पियर। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमें जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक है, उसका मान हमें लगभग 4.482
टेस्ला हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया जो कि इस रिंग पे उपस्थित होगा। ठीक है, जिसका मान हो जाएगा 4.482 टेस्ला। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।